पीना कोलाड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए पाइनएप्पल। हम यहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल के पीसेस को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। जो बारीक बारीक पीसेस हैं उसे हम डायरेक्टली ड्रिंक में डालेंगे, और जो बड़े पीसेस हैं उसे हम डालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में फ्रेश पाइनएप्पल जूस के साथ में। दोस्तों, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब हमने घर पे बनाए हैं, तो इसीलिए ये ड्रिंक एकदम प्रिजर्वेटिव फ्री और बहुत ही हेल्दी है। इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं कोकोनट मिल्क। इसमें हमने तकरीबन 100 ग्राम पाइनएप्पल जूस, तकरीबन हमने 150 ग्राम कोकोनट मिल्क और एक बड़ा स्कूप वैनिला आइसक्रीम का डाला है। इसके साथ में इसमें हमने डाले हैं 3 से 4 पीसेस बर्फ़ के। दोस्तों, इसमें हमने शुगर, हनी, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आइए चलते हैं ड्रिंक की प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसके लिए हमने 2 प्लेट में थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसके अंदर हमने ग्रीन और येलो कलर्स डाले हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यही प्रेजेंटेशन होता है जिसके लिए आप कोई भी 5-स्टार होटल में या किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी भी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आप एक ड्रिंक में 300 से 400 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो क्यों ना आप वैसा ही प्रेजेंटेशन घर पे बनाएं और अपने गेस्ट्स को इम्प्रेस करें, और उन्हें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने ये देखा था अतरंगी तड़का पे, जिससे आपका और हमारा परिवार आगे बढ़े और खूब नए नए ड्रिंक्स और रेसिपीज़ बनाएं। तो हमने एक गिलास के ऊपर थोड़ा सा हनी लगाया है। अब ये हनी से हमारा जो डेसिकेट कोकोनट है कलरफुल, उस पर आराम से चिपक जाएगा, क्योंकि ये हनी है तो ये एकदम एडिबल है। इसमें जो हमने कलर्स यूज़ किए हैं वो एडिबल कलर्स हैं, फूड कलर्स हैं, और जो इसमें हमने डेसिकेट कोकोनट यूज़ किया है वो भी हमने घर पे बनाया है। सूखा हुआ कोपरा हमने अच्छे से पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमारा ग्लास कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसमें हम सर्व करेंगे हमारा पीना कोलाड़ा ड्रिंक। अभी ड्रिंक सर्व करने के लिए हमने जो पाइनएप्पल के पीसेस एकदम बारीक काटे थे उसे सबसे पहले एक ग्लास में डालेंगे। उसके ऊपर हमारा जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर था कोकोनट मिल्क का और पाइनएप्पल जूस का, उसे डालेंगे, और उसके बाद इसे सर्व करेंगे एक पाइनएप्पल स्लाइस और चेरी के साथ में। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीना कोलाड़ा ड्रिंक कितना बढ़िया लग रहा है दिखने में, और इसका प्रेजेंटेशन तो बहुत ही गजब लग रहा है। ये दिवाली आप भी अपने परिवार और दोस्तों के लिए पीना कोलाड़ा बनाइए और हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते दोस्तों, हम मिलेंगे जल्दी नई रेसिपी के साथ।